नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजी नरेश। आज का वीडियो है राशि चक्र की छठवीं राशि पृथ्वी तत्व की राशि कन्या राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2021 का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में। तो ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि आधारित है। जन्म कुंडली में आपके चंद्र 6 नंबर के अंदर लिखा है तो कन्या राशि है और ये प्रिडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। कोई भी साल के अंदर 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य भी आपके कन्या राशि के अंदर है तो भी ये प्रिडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों कन्या राशि में हैं तो ये प्रिडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह बुध ग्रह के ट्रांजिट से। तो बुध ग्रह का जो भ्रमण है वो आपकी राशि से पंचम स्थान के अंदर है। पांचवें स्थान के अंदर 11 मार्च तक जो चलने वाले बुध है पंचम स्थान में, ये आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म को उजागर करने वाले हैं। उसके बाद बुध चलेंगे छठवें स्थान के अंदर, तो ये ट्रांजिट बुध का भी छठवें स्थान के अंदर भी शुभ है। आपको एब्रॉड रिलेशन और एब्रॉड कनेक्शन से लाभ करवाएंगे और आपको मैटरनल साइड से भी लाभ करवाएंगे, मामा मौसी की ओर से भी लाभ करवाएंगे। तो बुध का ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ है। बिजनेस करियर के रिगार्डिंग प्रोग्रेस वाला टाइम है आपके लिए मार्च के अंदर, ये प्रोग्रेस का स्पष्ट इंडिकेशन है। तो प्रिडिक्शन में बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के ट्रांजिट के बारे में। तो सूर्य जो है वो 14 मार्च तक आपकी राशि से छठे स्थान के अंदर होंगे जो कि आपके लिए शत्रु पर विजय देने वाले होंगे और साथ साथ में आपका हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट होगा। मामा मौसी की ओर से भी लाभ मिल सकता है, सरकार से भी लाभ मिल सकता है, पिता से भी लाभ मिल सकता है। तो करियर के रिगार्डिंग ये मंथ आपके लिए बहुत शुभ समय है। 14 मार्च 2000 को शाम को 14 मार्च 2021 को शाम को 6:05 को सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। तो जो संक्रांत इसको बोलेंगे मीन संक्रांति, 6:04 को सूर्य राशि परिवर्तन करके चलेंगे मीन राशि में, इसको बोलेंगे मीन संक्रांति। तो शाम को 6:04 से लेकर सूर्य अस्त तक सूर्य क्रांति का फल रहेगा पुण्यकाल। तो पुण्यकाल में आपको क्या करना है, दान पुण्य मंत्र विशेष करना है और अपने इष्ट देव देवी का ध्यान करें। यदि आपको मालूम नहीं है कि आपके इष्ट देव देवी कौन है तो मंत्र कर सकते हैं ओम नमः शिवाय, अन्यथा मंत्र आप करें ओम ह्रीम क्लीम सूर्याय नमः और दान पुण्य करें। और उसके अलावा दिन में 3 बार सूर्य का दर्शन करें, सुबह में, दोपहर में, बिफोर सनसेट। तो 14 तारीख को संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा शाम को 6:04 से लेकर सूर्य अस्त तक। मीन में जाने वाले सूर्य आपके लिए कैसे होंगे, मीन में जाने वाले सूर्य आपकी राशि से 7th हाउस में चलेंगे। दाम्पत्य जीवन का स्थान है, प्रणय संबंधों का स्थान है, पार्टनर का स्थान है। तो 7th हाउस में सूर्य जो कि उग्र ग्रह है ये आपको इतना शुभ फल देने वाले नहीं होंगे। तो क्या केयर करना होगा रिलेशन में, खास करके आपको अपने पार्टनर के साथ जो भी जातक विवाहित है मैरिड है इनको दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में केयर करना होगा क्योंकि सूर्य आपके 7th हाउस में शनि की दृष्टि में होंगे। तो 7वें स्थान में आपके सूर्य शनि का अशुभ योग बनता है और इसका इम्पैक्ट आपके पार्टनर के ऊपर रहेगा। आपके पार्टनर का हेल्थ खराब हो सकता है, आपका खुद का भी हेल्थ खराब हो सकता है। तो एग्रेसिवनेस ज़्यादा बढ़ेगी, उसके ऊपर भी आपको कंट्रोल करना होगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में केयर करना होगा। जो कोई भी जातक पब्लिक लाइफ के अंदर है, पॉलिटिशियंस है, ऐसे जातक को वो भी अपने स्टेटमेंट में, बयान में केयरफुल रहना होगा, अन्यथा बहुत सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती हैं क्योंकि सूर्य शनि का अशुभ योग बनता है आपके 7th हाउस के अंदर जो कि द प्लेस ऑफ पब्लिक लाइफ। सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल जो है वो भाग्य स्थान में है, राहु के साथ है। भाग्य स्थान में मंगल राहु का विजय लक्ष्मी योग बन रहा है और इसके कारण आपका भाग्य में तो वृद्धि होना निश्चित है लेकिन
दृष्टि जो मंगल की केतु के ऊपर होगी तीसरे स्थान में और चौथे स्थान में, अष्टम दृष्टि चौथे स्थान के अंदर, इसके इम्पैक्ट के अंदर आपके, और 12वें स्थान में भी मंगल की चौथी दृष्टि होगी तो मेडिकल एक्सपेंसेस आने की संभावना रहेगी। रिलेशन में खास करके आपको अपने ब्रदर सिस्टर्स एवं नेबर्स के साथ कुछ ज़्यादा ही केयर करना होगा। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह का तो पहले ही बता दिया, अब गुरु के बारे में। तो गुरु आपके पंचम स्थान में है, भाग्य स्थान में दृष्टि करते हैं, तो भाग्योदय होना आपका निश्चित है। गुड लक स्टार्ट करेगा एट द एज ऑफ 28। 28 मतलब मंगल गुरु महालक्ष्मी योग बनता है भाग्य स्थान के अंदर, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये आपको कहीं ना कहीं मंगल बदलने से पहले आपको अच्छा फल तो देने वाले हैं, और जमीन एस्टेट प्रॉपर्टी इत्यादि से आपको लाभ मिल सकता है, और मेडिकल पैरामेडिकल पुलिस मिलिट्री इत्यादि प्रोफेशन में काम करने वाले जातकों के लिए भी प्रोग्रेसिव टाइम होगा, सफलता देने वाला टाइम होगा। और गुरु दृष्टि करते हैं लाभ स्थान में, तो मित्रों से लाभ करवाएंगे, और ये गुरु आपके जन्म के चंद्र के साथ नौ पंचम योग करते हैं, जिसके कारण आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी धार्मिकता में वृद्धि होगी। तो गुरु का फल आपके हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट करने वाला होगा, गुरु का फल आपके लिए बहुत शुभ है। लव मैटर की कारक ग्रह शुक्र ग्रह की ट्रांजिट आपके लिए क्या कहती है। शुक्र कुंभ राशि के अंदर है, राशि से छठे स्थान के अंदर है, जो कि आपको रोग शत्रु पर विजय देने वाला है, मामा मौसी की ओर से लाभ करवाने वाला है, एब्रोड रिलेशन और एब्रोड कनेक्शन से भी आपको लाभ करवाएंगे। तो शुक्र बदलने के बाद फल क्या होगा। शुक्र 16 मार्च को राशि परिवर्तन करके चलेंगे मीन राशि के अंदर, तो यहाँ पर अविवाहित जो जातक हैं इनके लिए ये विवाह का योग क्रिएट करेंगे, और जो भी जातक मैरिड हैं इनको दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बढ़ाने वाले होंगे। तो शुक्र का बदलने के बाद फल शुभ है, और बदलने से पहले भी शुभ है। शनि महाराज की ट्रांजिट क्या कहती है आपके लिए। शनि ग्रह पंचम स्थान के अंदर है, जो पढ़ाई के अंदर धीमी गति से लेकिन निश्चित प्रोग्रेस करवाने वाले हैं, और दृष्टि शनि की अशुभ होती है तो एक दृष्टि आपकी तीसरी दृष्टि आपके सेवंथ हाउस में है, दाम्पत्य जीवन के स्थान में है, तो पब्लिक लाइफ के स्थान के अंदर है। तो जो भी जातक पब्लिक लाइफ के अंदर है इन और मैरिड है, इनको थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस मिलना तो निश्चित है। शनि की दृष्टि लाभ स्थान में होने के कारण आपको मित्रों से भी कम लाभ रहेगा, और दसवीं दृष्टि आपके धन स्थान के अंदर होने के कारण कुटुंब सुख धन सुख में भी थोड़ा सा तनाव या तो इफेक्ट मिल सकता है। राहु आपके भाग्य स्थान में है, तो स्मॉल डिस्टेंस यात्रा में थोड़ा सा विघ्न बाधाएं आ सकती है। केतु आपके पराक्रम स्थान में है, जो कि आपका पराक्रम बढ़ाने वाले हैं। तो खास करके जो डेट्स आपको टेक केयर करना होगा इस मंथ के अंदर वो इस प्रकार रहेगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल रहेगा। नंबर इस प्रकार है 9998011838, यानी कि 9998011838। तो डेट सबको जो टेक केयर करना होगा इस मंथ के अंदर वो इस प्रकार है 6, 7 और 8, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे धनु राशि में। तो धनु के चंद्र राशि से चौथे स्थान के चंद्र बनते हैं। अब जब चंद्र चौथे स्थान के अंदर हो, मातृ स्थान के अंदर हो, तो अननेसेसरी टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और ऐसी परिस्थिति में आपको खास करके माता के साथ, पिता के साथ, जॉब में अपर लेवल के साथ, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर के अंदर विशेष केयरफुल रहना होता है। जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है इन चीज़ों के अंदर। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 16, 17 और 18, जिसमें चंद्र चलेंगे मेष राशि में। तो मेष के चंद्र राशि से 8वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 8वें चंद्र के अंदर भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये खाड़ा का स्थान माना गया है। पारिवारिक मामलों में केयर करना होगा, फाइनेंशियल मैटर में केयर करना होगा, वाणी में भी सेम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर, क्योंकि चंद्र 8वें स्थान में अग्नि तत्व की राशि के अंदर है, तो वाणी में भी उग्रता हो सकती है। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 25, 26 और 27, जिसमें चंद्र चलेंगे सिंह राशि के अंदर।
तो सिंह के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र के अंदर भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तो यदि आपकी जानकारी में आपके कोई मित्र हैं कन्या राशि वाले, या तो जिनका भी जन्म हुआ है 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में, इनको ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जय गणेश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ।